आप जानते हैं भाजपा जो कहती है सो करके दिखा देती है। भाजपा ने जो कहा वो करके दिखाया है। जैसी गुंडागर्दी यहां पर हो रही थी, हो रही है, ऐसे ही गुंडागर्दी कभी कश्मीर में होती थी ना। आज कहां चली गई वहां की गुंडागर्दी, सब गायब। आज कश्मीर में भारत माता की जय लोग गर्व के साथ कहते हैं। आज तो कश्मीर के अंदर कांग्रेस ने 1952 में एक साजिश रची थी, और साजिश रची थी कि कश्मीर के अंदर भारत का कोई नागरिक वहां जाकर के अपना मकान नहीं बना सकता, जमीन नहीं खरीद सकता। जम्मू कश्मीर का नागरिक कोलकाता में आकर के, जंगीपारा में आकर के यहां जमीन खरीद सकता था, मकान बना सकता था, लेकिन जंगीपारा और कोलकाता का कोई नागरिक, कोई नौजवान अगर चाहता कि मैं जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन खरीदूंगा, कांग्रेस ने आपको इस अधिकार से वंचित कर दिया था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने बंगाल के नौजवानों को भी अधिकार दिया है कि बंगाल का नौजवान भी कश्मीर के अंदर जाकर के जमीन और मकान बना सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता है। इसके लिए आर्टिकल 370 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदैव के लिए समाप्त किया। भाइयों बहनों, मैं आपको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं, ज्यादा दिन नहीं चलने वाली यह गुंडागर्दी, ये उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। विधानसभा का चुनाव टीएमसी की उल्टी गिनती के साथ ही टीएमसी के भी गुंडों की उल्टी गिनती लिखने की तिथि है। 2 मई को जब बंगाल विधानसभा के चुनाव परिणाम सामने आएंगे और बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की घोषणा होते ही टीएमसी के गुंडों की वही दुर्गति होगी जो उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार आने के पहले गुंडागर्दी करते थे। आज आप देख रहे होंगे उनकी क्या स्थिति हो रही है, कोई जेल के अंदर है, कोई उत्तर प्रदेश छोड़कर के भाग गया है, कोई दूसरे लोक की यात्रा में, राम नाम सत्य है कि यात्रा में निकल चुका है। आज उत्तर प्रदेश में उसके लिए कोई जगह नहीं है। और बंगाल के अंदर भी गुंडागर्दी और अराजकता पैदा करने वाले इन गुंडों के साथ भी यही होने जा रहा है। मुझे बताया गया है कि यहां पर सभा में आने से टीएमसी के गुंडे भी और कोई अन्य संगठनों से जुड़े हुए गुंडे भी लगातार धमकी दे रहे हैं और कह रहे थे कि बीजेपी की सभा में जाएंगे तो ये कर दे, एक तमाम प्रकार की धमकियां दे रहे थे। याद करना, 2 मई के बाद यही गुंडे आपके घुटनों, आपके पैरों में नाक रगड़ते हुए दिखाई देंगे।